छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में पंचायत द्वारा संचालित सरकारी दुकान के राशन विक्रेताओं की लापरवाही का खुलासा हुआ है। मामला बिलाईगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र सिंधीचुआ का है, जहां ग्रामीणों ने सरपंच पर राशन न देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 21 महीने से लोगों को राशन और केरोसिन ऑयल नहीं मिला है, जिसके चलते लगभग 200 ग्रामीण अनुविभाग मुख्यालय बलाईगढ़ पहुंचे हैं और एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम से बकाया महीने का राशन दिलवाने के साथ साथ किसी सक्षम व्यक्ति को दुकान का संचालक बनाने की मांग भी की है। जिसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, उन्होंने कहा है कि दुकान के संचालक को बदला जाए और एक जिम्मेदार इंसान को इस पे बिठाया जाए। बिलाईगढ़ की ये पूरा मामला है जहां पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनको उन्होंने कहा कि पिछले काफी महीनों से उन्हें राशन नहीं मिला है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही केरोसिन तेल उन्हें नहीं मिला है। ग्रामीणों ने सरपंच पर यह आरोप लगाए हैं कि वो घपलेबाजी कर रहा है राशन में, और इसी को लेकर उन्होंने एसडीएम मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि उन्हें राशन दिलवाया जाए जो बकाया राशि है, राशन है, और साथ ही सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक जिम्मेदार इंसान को राशन डिपो का संचालक बनाया जाए। इन लोगों ने, सिंघीचुआ के ग्रामवासियों ने मुझे ज्ञापन सौंपा है, उसके अनुसार करीब 60-65 लोगों को 4 महीने से चावल और मिट्टी तेल नहीं मिलना तथा 2 महीने से 40-45 लोगों को, एक ही गांव के लोगों को नहीं मिलने की जानकारी दिया है। उसी प्रकार उन्हें और बताया है कि उस पंचायत में 2 गांव और है, हाँ, और उन लोगों को भी इस टाइप के चावल और राशन की सामग्री नहीं मिल रही है। वहाँ से हमारे उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सिंघीचो में चावल नहीं मिला है, शक्कर नहीं मिला है, ना ही 21 महीना से मिट्टी तेल मिला है। अच्छा, इनकी शिकायत अब अभी अब एसडीएम के पास में की है, क्या बोले एसडीएम? एसडीएम बोले कि तत्काल कार्रवाई करेंगे।